खंड मुख्यालय रामगढ़ पचवाड़ा के एक दर्जन गाँव का जन आक्रोश यात्रा का रथ गाँव गाँव घूमकर भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार की विफलताओं पर जुबानी प्रहार किया है। भाजपा का रथ ग्राम रालावास के गणेश धाम से रवाना होकर के सलीमपुरा, निजामपुरा, गोपालपुरा, कालुवास, कल्लावास, जीतपुर, कल्लावास, तिब्बारा, नयावास, झुंपड़िया, हामावास, भावता, पालुंदा, लहड़ी, कबास, खलकाई, माता शाहजहानपुरा के गाँव में पहुँच राज्य सरकार की विफलताओं व केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुँचाया। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए दौसा सांसद जसकोर मीणा ने कहा कि ग्राम पंचायतों में विकास के लिए सरकार ने फूटी कौड़ी नहीं दी, जबकि संपूर्ण पैसा कांग्रेस के युवराज को राजी करने के लिए खर्च कर रही है। मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की मंशा से ही दौसा में मेडिकल कॉलेज खोलने का सपना साकार हुआ है। अगर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी तो ERCP की DPR में संशोधित कर उसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का काम किया जाएगा। भाजपा नेता रामविलास डूंगरपुर ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, मुलजिम सरेआम घूम रहे हैं, तो किसान खाद के लिए दर दर की ठोकरे खाने पर मजबूर बना हुआ है। वहीं नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए पूर्व प्रमुख शासन सचिव BM मीणा ने खाद में हो रही कालाबाजारी को लेकर के सरकार पर जुबानी प्रहार किया।